I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Welcome back to Veronica Lifestyle. मेरा नाम है सोनाली सक्सेना एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपका बर्थडे आने वाला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज काफी सारी टिप्स आपको देखने को मिलेंगी और जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड एंड तक आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको अपने बर्थडे पर किस तरह का आउटफिट पहनना है या पार्टी अगर आप लाइक किसी पार्टी में जाने वाले हो तो आप इन आउटफिट्स को लाइक पार्टी के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड बहुत ही जल्द गाइस मेरा बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे अभी 3 सितंबर को है, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो मैं अपने बर्थडे की आउटफिट चूज कर रही थी एंड मैंने सोचा कि ये डिफिकल्टीज जो मुझे आ रही है वो डेफिनेटली बहुत सारी गर्ल्स को आती होगी और आई थिंक मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि आपको हेल्प मिल पाए एंड आप मिनटों में यूं अपने आउटफिट को चूज कर पाए बिकॉज बर्थडे के लिए आउटफिट चूज करना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड बर्थडेज यू नो दैट कि बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं एंड स्पेशली अगर आपका इंटरेस्ट फैशन में है तो ये चीज और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि हम किस आउटफिट को चूज करें, क्या ज्वेलरी चूज करें, क्या फुटवेयर चूज करें। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको किस तरह का आउटफिट चूज करना है एंड आप यू मिनटों में अपना आउटफिट जो है वो चूज कर लेंगे। सो क्योंकि बर्थडे वाले दिन ना गाइस हम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर एंड बहुत ही अलग दिखना चाहते हैं तो ऐसे में आउटफिट चूज करना ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप बर्थडे / पार्टी आउटफिट चूज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो लेट्स फैब्रिक गाइस, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको किस तरह का फैब्रिक चूज करना है बिकॉज 80% तो यही क्लियर हो जाता है कि आपको किस तरह का आउटफिट चूज करना है एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। सो आप फैब्रिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नेट ले सकते हो, वेलवेट ले सकते हो, लेदर ले सकते हो, सैटिन ले सकते हो, आप इन सब इन सब फैब्रिक में जा सकते हो। एंड वर्क की बात करें तो यहाँ पर आप सीक्वेंस वर्क देख सकते हो, राइनस्टोन वर्क भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो आप उसे देख सकते हो। सो इस तरह के आप जो है आउटफिट चूज कर सकते हो जिसमें इस तरह का वर्क हो या इस तरह के फैब्रिक हो। फर्स्ट स्कर्ट्स, सो गाइस यहाँ पर स्कर्ट्स की बात करें तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कर्ट्स वियर कर सकते हैं, स्पेशली जिनको स्कर्ट्स पसंद है। सो आप नेक स्कर्ट चूज कर सकते हैं जिस तरह का मैंने अभी वियर किया हुआ है, यू कैन सी दैट कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर सिक्वेंस टॉप के साथ इसको स्टाइल किया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स वियर किए हुए हैं, यू कैन सी दैट। एंड ब्लैक कलर का ही मैंने यहाँ पर फुटवेयर वेयर किया है तो आप इस तरह का आउटफिट चूज कर सकते हैं एंड इस तरह की स्कर्ट्स बहुत बहुत तरीकों से स्टाइल होती है। सो जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से स्टाइल करनी है। मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स टैग कर दिए हैं तो आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं एंड आप उसको डिफरेंट तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस वो है यहाँ पर ये ब्लैक कलर की सिक्वेंस वाली स्कर्ट। पूरे में यहाँ पर ना लाइक सिक्वेंस वाला वर्क हो रखा है एंड बहुत अच्छी लाइक बॉडीकॉन टाइप की स्कर्ट है तो आप इस तरह का कुछ वेयर कर सकते हैं, इस तरह की स्कर्ट वेयर कर सकते हैं जो बॉडीकॉन भी हो एंड उसमें कुछ इस तरह का वर्क हो, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्कर्ट है गाइस वो है सैटिन की स्कर्ट जो कि स्लिट है एंड यू नो दैट स्लिट का इस टाइम काफी ज्यादा लाइक फैशन में भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। सो आप इस तरह की स्लिट स्कर्ट ले सकते हैं एंड इसकी अच्छी बात ये है कि इसका जो फैब्रिक है गाइस वो सैटिन में है तो ये बिल्कुल पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट स्कर्ट है। इसके साथ मैंने बेज कलर का क्रॉप टॉप वेयर किया जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है तो आप कोई ब्यूटीफुल सा टॉप वेयर कर लीजिए एंड इन स्कर्ट्स को स्टाइल कर लीजिए एंड एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका बर्थडे के लिए या फिर पार्टीज के लिए। सो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो आप स्कर्ट को इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कर्ट्स ले सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स के लिए आपको कुछ स्कर्ट्स दिखाई है बट आप चाहे आपके पास कुछ अदर टाइप की स्कर्ट है जो कि आपको लगता है कि पार्टी के परफेक्ट है तो आप उसको भी स्टाइल कर सकते हैं। बॉडीकॉन ड्रेसेस, सो गाइस बॉडीकॉन ड्रेसेस भी
काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होती है एंड बॉडी को एक अलग ही शेप मिल जाती है, एक बहुत ही अच्छा सा हमारा पॉस्चर जो है बहुत अच्छा सा हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी बहुत अच्छी लगती है। सो आप चाहें तो बॉडीकॉन ड्रेस भी जा सकते हैं एंड यहाँ पर बॉडीकॉन ड्रेस के लिए मेरे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे चूज़ की है गाइस ये रेड कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस, इसमें कुछ कुछ राइनस्टोन का काम भी हो रखा है एंड इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, कुछ नेट टाइप का है बट बहुत ही सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल है, सो बहुत अच्छी शेप आती है इसमें बॉडी की। तो यू कैन सी दैट कि इसका जो फैब्रिक है वो किस टाइप का है, नेट टाइप का है एंड इसमें जो वर्क है वो राइनस्टोन है एंड बॉडीकॉन ड्रेस तो है ही। सो नहीं तीनों का आप देख रहे हो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी बिल्कुल वो चीज़ें मैच कर रही है इस आउटफिट के अंदर, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जिस तरह का मैंने आपको आउटफिट आउट लाइक फैब्रिक मैं आपको बताया था, इस तरह का फैब्रिक होना चाहिए, इस तरह का वर्क होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे इन आउटफिट्स में आपको मैच करेंगी। सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ये चीज़ें जानने के बाद कि किस तरीके का आपको आउटफिट वेयर करना है। सो गाइज ये जो ड्रेस है इसको मैंने राइनस्टोन वाली ज्वेलरी के साथ ही स्टाइल किया है एंड मैंने रेड कलर की यहाँ पर हील्स वेयर किए हैं, सॉरी बैली शूज़ वेयर किए हैं जो कि एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से पूरा आउटफिट जो है स्टाइल कर सकते हैं और ये भी एकदम काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर बर्थडेज एंड पार्टीज के लिए। गाउन, सो गाइज गाउन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड जब आप अपने बर्थडे पर लाइक दिखना चाहते हो किसी एंजल की तरह, परी की तरह, लाइक बहुत सारी गर्ल्स होती है हमें बहुत ब्यूटीफुल दिखना होता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी एंजल की तरह दिखना होता है एंड उस टाइम पर हमें लगता है लाइक हम किसी प्रिंसेस की तरह लगे एंड उस टाइम पर हमें मन करता है कि हम कोई गाउन लाइक वेयर करें। सो यहाँ पर मैंने जो गाउन वेयर किया है बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्पल कलर का गाउन वेयर किया है जो कि नेट का है। आप नोटिस करना कि जो मैंने आपको फैब्रिक बताए थे वो उसी के अकॉर्डिंग है ये सारे आउटफिट्स। तो यहाँ पर जो ये चूज़ मैंने किस तरीके से किया, लाइक ये गाउन है, इसके फैब्रिक की बात करें तो ये एक नेट का फैब्रिक है एंड यू कैन सी दैट कितना ब्यूटीफुल है, लाइक प्रिंसेस वाली पूरी उसमें वाइब आ रही है एंड इसको भी मैंने गाइस राइनस्टोन वाली ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइक बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। सो इस तरह से आप जो है अपना गाउन चूज़ कर सकते हैं जिसका इनमें से कुछ फैब्रिक से मिलता जुलता हो एंड या फिर इस तरह का कुछ वर्क हो जिस तरह का मैंने आपको बताया था, लाइक सिक्वेंस हो गया, राइनस्टोन हो गया, ग्लिटरी हो गया, कुछ भी लाइक इस टाइप का वर्क आप देख सकते हैं एंड आपका जो है आप गाउन पहन सकते हैं। गाउन भी एकदम परफेक्ट होते हैं पार्टीज के लिए, बर्थडेज के लिए, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। सो गाइस बार्बी ड्रेसेस भी मोस्ट पॉपुलर थी, हैं और आगे भी रहेंगी। सो बार्बी ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है गर्ल्स को, सो आप बार्बी ड्रेसेस चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर बार्बी ड्रेसेस के लिए मेरे पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है। फर्स्ट है गाइज ये ब्लैक कलर की ड्रेस जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पर पूरे में स्टोन्स लगे हुए हैं इसके नेक पर, नेकलाइन पर एंड इसका जो लाइक बॉटम वाला पार्ट है उस पर जो डिज़ाइन बना हुआ है साइड्स में फ्लेयर्स आ रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइज वो है यहाँ पर मैंने वेयर की है बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक शेड है एंड न्यूड कलर का शेड है एंड प्लस अंदर की साइड में इसमें ब्लैक कलर का पूरी लाइनिंग अंदर कपड़ा दे रखा है, तो बहुत प्यारी लगती है ये वाली ड्रेस भी एंड यू नो दैट कि मैंने इसको किस तरीके से स्टाइल किया, यू कैन सी दैट। सो आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस वो है वाइट कलर की ड्रेस और ये तो बहुत बहुत सुंदर लगती है मुझे, ये मैंने अर्बेनिक से ली थी एंड बहुत सुंदर ड्रेस है एंड बर्थडे के लिए पार्टीज के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लाइक कोई एंजल आ गई है, लाइक बहुत सुंदर है ये वाली ड्रेस। सो और अगर आप इसको लाइक आप चाहें जैसे मैंने यहाँ पर वाइट कलर की हील्स पहनी है तो आप कुछ डिफरेंट भी पहन सकते हैं, सिर्फ पर्ल ज्वेलरी ऐड कर लीजिए या फिर आप चाहें तो हील्स वगैरह थोड़ा सा एक पॉपअप देने के लिए आप जो है पिंक कलर के जो है हील्स पहन लीजिए, ये भी बहुत अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने इस आउटफिट को स्टाइल किया था, तो मैंने डिफरेंट तरीके से इसको स्टाइल किया है, तो आप इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत 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 सुंदर लगती है। तो ये तीनों ही जो ड्रेसेस हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, तो आप इस तरह की ड्रेसेस जो है चूज़ कर सकते हैं अपने बर्थडे के लिए। ये तीनों ही बार्बी ड्रेसेस हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल लगती है एंड इनका भी फैशन कभी जाने वाला नहीं है, तो आप इनको लाइक कई बार वेयर कर सकते हैं, ये इनका फैशन खत्म नहीं होने वाला, तो बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस वो है लेदर पैंट्स एंड लेदर पैंट्स भी जो है काफी तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। वैसे यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से क्रॉप टॉप के साथ इसको स्टाइल किया है, बट आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप टॉप लाइक ले सकते हो, एक लेदर पैंट ले लीजिए, कोई भी अच्छा सा
टॉप इसके साथ स्टाइल कर लीजिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। इनफैक्ट अभी जो मैंने वियर किया हुआ है सीक्वेंस वाला टॉप, आप इसको भी स्टाइल कर सकते हैं अपनी लेदर पैंट्स के साथ, या फिर आप पॉपअप के लिए कुछ लाइक पिंक कलर हो गया या नियॉन कलर हो गया, किसी डिफरेंट कलर में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक के साथ ब्लैक ही वियर करना है, आप कुछ डिफरेंट कलर में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। सो आप लेदर पैंट्स स्टाइल कर सकते हैं अपने बर्थडे पर इस बार, एंड काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो गाइज, इतने ही आउटफिट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, एंड आई थिंक ये सारे के सारे आउटफिट्स एकदम परफेक्ट हैं बर्थडेज के लिए एंड पार्टीज़ के लिए। सो आप लोगों को कौन सा आउटफिट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड एक हेल्प और आप लोगों से चाहिए थी कि मेरा बहुत ही जल्द बर्थडे आ रहा है, 3 सितंबर को, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि मैं क्या वेयर करूँ, एंड जो मैंने आउटफिट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और इनको मैंने कभी भी वेयर नहीं किया है, लाइक बाहर कहीं वेयर नहीं किया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हीं में से कुछ स्टाइल करूँ। सो प्लीज़ मुझे हेल्प करना है, मुझे बताना कि मैं अपने इस बर्थडे पर इनमें से कौन सा आउटफिट वेयर करूँ। मैं डेफिनेटली उसी को वेयर करूँगी, एंड उसमें मैं आप लोगों के साथ पिक्चर भी शेयर कर दूँगी अपनी बर्थडेज की। सो प्लीज़ मेरे साथ मुझे लाइक हेल्प करना, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।